street side. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declared. वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रहा सास्वती का आज का लंच। काफी टाइम के बाद लंच बनाना हुआ है फ्रेंड्स, और आज मैंने बनाया है ब्रेड पनीर पिज्जा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ये ब्लॉग शिवरात्रि से पहले का है, लेकिन बीच में शिवरात्रि आ गया था तो पहले शिवरात्रि का ब्लॉग चला गया था फ्रेंड्स। और ये रही सास्वती, तैयारी में लगी हुई है। आज इसका फिजिक्स का पेपर है। हाँ। नाश्ता कर लिया है, वो उसका हॉर्लिक्स रखा हुआ है और बस 10 मिनट में निकल जाएगी। आज उसको सम भी छोड़ने जाएगी। बीच में क्या? हाँ। आपको चलना पड़ेगा। तो मैं और सांभी पापा तीनों जाएंगे छोड़ने के लिए स्कूल। मैं यहाँ है सांभी, सरस्वती छुप गई, दिखा दो अपना चेहरा। और बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए फ्रेंड्स आप सभी, प्लीज और लाइक कर देना। हाँ, मतलब उस दिन तो प्रैक्टिकल था, आज मेन एग्जाम है फाइनल। तो फ्रेंड्स फिर से हम आ गए हैं स्कूल के बगल वाले पास, और आज सांभी को पकड़ लिया है। ये बिल्कुल चक्कर नहीं लगा जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और दिनेश जी पीछे रह गए। मिशन स्टार्ट करते हैं, मिशन स्टार्ट करते हैं। चलो वॉक पर करते हैं, वॉक शुरू। पास में एक मंदिर है हनुमान जी का, वॉक कंप्लीट हो गया है। प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे और सोच रहे हैं कहीं पर बैठ के हम तीनों कुल्हड़ वाली चाय पिए, चाय पी के फिर घर जाएंगे फ्रेंड्स। और वो रहा केला का फूल। मेरे कौन कौन से फ्रेंड ने इसकी सब्जी खाई हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अदरक ले जी, सब डाल के अच्छे से बनाना भैया। आप बेफिक्र रहो, तीन कप। मैं सास्वती, दिनेश जी, सॉरी सॉरी सास्वती नहीं, सास्वती को मिस कर रही हूँ, सास्वती नहीं। काफी दिनों के बाद हम लोग ऐसे स्टॉल के पास आके चाय पी रहे, स्टॉल पे चाय पी रहे। और फ्रेंड्स आ जाओ, आप सभी ले लो कुल्हड़ वाली चाय। सॉरी सॉरी, कुल्हड़ वाली चाय तो नहीं मिली, बस इसी से काम चला लो। आज सुबह से ही बहुत ही बिजी बिजी दिन की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स, और बहुत ही बिजी दिन होने वाला है हमारा वॉक करने के बाद। फिर मैं आ गई हूँ सब्जी के शॉप पे, थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट्स लेने हैं, और यहाँ से सीधे मैं जाऊंगी पार्लर। सास्वती नहीं, सांभवी को आईब्रो बनाना है और सोचती हूँ मैं भी करवा लूँ थ्रेडिंग। I got this picture in my closet, it's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. ये हो रही है सास्वती तैयार। Yes. कहाँ जाने के लिए? बाहर घूमने। सरोजिनी नगर मार्केट। यस। जो ये कभी नहीं गई है। मैं कभी नहीं गई, कभी भी नहीं। मैंने नाम इतना सुना है ना कि जो भी लाइक दिल्ली वाले हैं वो सरोजिनी नगर। मैं अभी कभी नहीं गई हूँ, और जब भी मेरे फ्रेंड्स जब भी मुझसे मिलते हैं, दे ऑलवेज लाइक कि सर तो दिल्ली में रहकर सरोजिनी से शॉपिंग नहीं करती, तो मैं फाइनली जाने वाली हूँ। क्या सरोजिनी में हम भी देखे, तो मैंने सोचा चलो इस बार सरोजिनी नगर मार्केट घुमा ही देते हैं सभी सस्ती को। और सास्वती का पेपर आज बहुत अच्छा गया है। हाँ अच्छा गया, मेरा पेपर अच्छा। थोड़ा मस्ती तो बनता है। यस, भैया 5 दिन बाद। अब 5 दिन बाद एग्जाम है, तो आज मस्ती कर लेंगे, फिर कल से पढ़ाई। और हमारे लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। हाँ, ये बात तो है, नया लुक है, हम जनरली ऐसे तैयार नहीं होते हैं। हाँ, आप थोड़ा अलग, हमें ऐसे स्ट्रीट स्टाइल तो कमेंट में, हम यूजुअली स्कर्ट्स और फ्रॉक्स में तैयार होते हैं। हाँ, आप थोड़ा अलग, ये फॉर्मल कपड़ों में तैयार होते हैं जनरली। हाँ, नॉट लाइक वेरी मतलब स्ट्रीट स्टाइल वाला नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको भी घुमा के लाते हैं सरोजिनी नगर मार्केट, और एक बार अच्छे से हम सबका लुक देखिए, दिखाओ सबका। ये रही सांभी सास्ती।
चलो बाय। ये रही सांभी सासुती, जैकेट रख लिया है, आते आते रात हो जाएगी तो ठंड लगेगी। जगह दो जगह, मास्क पहन लो। मैं ही पहन लेती हूँ, हम पहन चुके, आपने ही नहीं पहना। मैं ही पहन लेती हूँ, मास्क पहनने का मन नहीं करता है नहीं। क्योंकि इतना सा लिपस्टिक लगाया है, फिर लगाने का क्या फायदा, मुझे भी पहनना है, मैं भी पहन लेती हूँ। खुश होकर नहीं पहनता है, मजबूरी है। हाँ, खुश होकर कोई नहीं पहनता है, मजबूरी है। 500 रुपया बचाने के लिए सब पहनता है। हाँ, 2000 था, अब 500 रुपया है। दिल्ली में रह के सरोजिनी नगर मार्केट हम लोग नहीं घूमा है, इतना ही नहीं, सरस्वती तो लाल किला नहीं घूमी है। मेरा तो ऐसा हाल है, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं लगता चंदू कोई भी इन्वर्टर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घूमी है। मैं दिल्ली घूमी ही नहीं हूँ। तो दिल्ली घूमते तो दिल्ली कौन घूमेगा, लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं और सरस्वती दिल्ली की होके, दिल्ली वाली होके दिल्ली नहीं घूमी है। अब 12वीं में जा चुकी है, अब बाहर चली जाएगी, तो इस बार कोशिश है जो जरूर इसको बाहर जाने से पहले दिल्ली के, हाँ वो तो पता होना चाहिए। तो सरस्वती सामग्री भी पहले घूमी हुई है, सामग्री तो भी याद नहीं है, तो बहुत जल्द सारे मॉन्यूमेंट्स हम लोग घूमने वाले हैं क्योंकि इसको दिखाना है। I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't. तो हम लोग पहुंच गए हैं सरोजिनी नगर मार्केट। अम्बी कहाँ है, सांभी कहाँ है, सांभी आने की कोशिश कर रही पर आने पा रही है। और मार्केट के स्टार्ट में ही सबसे पहले हम लोगों को ये दिख गया आर्टिफिशियल फ्लावर और प्लांट्स जो होते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी ही शॉपिंग की थी और काफी रिजनेबल रेट में दे रहे थे, तो मैंने हाफ दर्जन ले लिए थे। और उसके बाद फिर अंदर की ओर हम लोग निकल पड़े और स्टार्टिंग में ही ये देखिए पर्स ही पर्स, बहुत सारे पर्सेज के शॉप थे। बट बार्गेनिंग कैसे करते हैं बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन भी नहीं था, हर चीज का एक, हर पर्स का एक फिक्स रेट था, तो मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्योंकि जब भी आप कोई सामान परचेज करते हो और थोड़ा बहुत पैसा कम ना करे तो मजा नहीं आता। क्या पैसा? 250 मुझे तो ये वाला पर्स पसंद आ रहा था, लेकिन भैया थोड़ा भी हिलने के लिए तैयार नहीं थे, एक बस फिक्स प्राइस था 250 और मेरी जिद थी जो थोड़ा सा तो कम करो, और बात नहीं बनी फ्रेंड्स तो फिर मैं आगे निकल गई। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से सुन रखा था जो सरोजिनी नगर मार्केट चले जाओ, बहुत ही बार्गेनिंग चलती है, लेकिन ऐसा वहां जाके मुझे कुछ भी नहीं मिला और ना रेट में कुछ भी अंतर दिखा। तो फिर मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है मेरा द्वारका का जो अपना सेक्टर 6 का जो स्ट्रीट मार्केट है ना वो, क्योंकि सेम प्राइस था, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो था नहीं। फिर भी इतना दूर से आए थे तो कुछ तो लेना था, तो एक दो बच्चों के लिए मैंने टी शर्ट ड्रेस लिए थे। और हाँ, एक शॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था जो आप सबसे आगे शेयर करूंगी, वो कुर्ती सूट का शॉप था, और कोई मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं देखा, तो बस बच्चों के लिए एक दो मैंने टी शर्ट ड्रेस लिए थे। मुझे कोई भी सामान पसंद नहीं आया, हाँ कुछ पसंद नहीं आया, कुछ खास नहीं लग रहा। एक इस वाले शॉप पे बिग सेल का बैनर लगा था, तो सोचा चलो अंदर जाके शॉप को देखते हैं। और वो जो रेड कलर का ड्रेस है ना, मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा था दो डिफरेंट कलर में सामग्री और सरस्वती के लिए ले लूंगी, होली में पहन लेगी। लेकिन अंदर जाके बिल्कुल मामला फ्लॉप लगा, बाहर जो दिख रहा था वो अंदर नहीं था, एक ही सेट जो बाहर लगा था वही था, और अंदर किसी भी चीज पे कोई भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार ही नहीं थे, और मुझे तो प्राइस बहुत ज्यादा लगा, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। वैसे हम तो डिस्काउंट की वजह से जाते भी नहीं हैं, एक स्टाफ का बिहेवियर भी होता है, तो मोस्टली ज्यादातर स्टाफ जो थे ना बहुत रूड थे। कुछ भी नहीं पसंद आ रहा। ये वाला ज्वेलरी सेट्स मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन ऐसा मेरे पास काफी है तो मैंने नहीं लिया था। और कुछ टॉप्स भी जो थे ना, एक शॉप था जहाँ टॉप्स अच्छे थे, लेकिन वहाँ भी वही बात था, एक फिक्स रेट था 350, लेकिन कुछ टॉप्स मुझे अच्छे लगे थे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे ये जो है ना सामने सूट का शॉप, इस शॉप पे, और यहाँ जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया था। दोनों बच्चों के लिए मैंने सूट्स लिए थे, एक अपने लिए भी लिया था,
और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, अच्छे मिल गए थे, जैसा मैं चाहती थी वैसा मिल गया था, तो मेरा होली का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। यहाँ अच्छे कपड़े मिल गए थे। जो लोग दिल्ली में रहते हो, बहुत सारे लोग इस शॉप पे जरूर आते होंगे। कौन कौन आते हो कमेंट्स में जरूर शेयर करना फ्रेंड्स, और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं आते हो तो एक बार यहाँ आना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go. ये है शॉप का नंबर, GM स्टॉल नंबर S9। तो यहाँ आप जा सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। होली की शॉपिंग हो गई, ये हम लोग एक घंटा बॉक लिए और जा रहे हैं वापस। हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, बस एक दो शॉप था सूट का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए लिया है, देखते हैं कैसा लगता पहनने पे, और कुछ खास पसंद नहीं आया तो हम लोग जा रहे हैं वापस। हाँ, जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो तो हर जगह एक जैसा ही होता है, उसके अंदर जो सामान होते हैं उसकी अलग बात होती है, लेकिन जिस चीज के लिए ये मार्केट फेमस है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, उसमें मुझे मजा नहीं आया। आज हमने यहाँ आके बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की फ्रेंड्स, बस थोड़ा बहुत जो शॉपिंग किया है वो घर जाके आप सबसे शेयर करूंगी, और ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है तो ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, या मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, या मार्केट अच्छी लगी हो तो लाइक करना, या हम अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना। और आज के ब्लॉग को मैं पहली बार गाड़ी पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।